And magnetism course, lecture number 28. I'm Dr. जो मोशन है चार्ज पार्टिकल का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उसको डिस्कस करेंगे और उसके लिए जो नेसेसरी कैलकुलेशन uh, है या मैथमेटिक्स है uh, वो डिराइव करेंगे लेकिन लेक्चर्स uh, को जब हम स्टार्ट करेंगे तो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे एक एग्जाम्पल से और एग्जाम्पल्स हमारे पास इस तरह है uh, बिल्कुल टॉपिक से रिलेटेड है कि उस एग्जाम्पल में हम कर रहे हैं कि वी हैव एन इलेक्ट्रॉन्स एंड ट्रेवल एट स्पीड पर सेकेंड एंड ए प्लान फॉर पैनिकुलर फील्ड डिस्क्राइब एट्स पाथ ठीक है ये बिल्कुल हमारे पास मोशनलैटिकलेक्ट्रॉन uh, है so, इसको हम uh, discuss कर रहे हैं ठीक है है so, हमारे पास इस तरह uh, कि वो electrons वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में uh, वो मूव कर रहा है के साथ वो मूव कर रहा है और जो मैग्नेटिक uh, फील्ड है पर पैनडिकुलर टू दिलासिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो है जीरो पॉइंट जीरो हमने इसके पाथ को डिस्क्राइब करना है सो फॉर दिस यू कैन सी हेयर ये हमारे पास फील्ड है फील्ड इज यूनिफॉर्म दैट इज कम आउट ऑफ द पेपर जिसको हमने ये डायरेक्शन उधर डिस्क्राइब किया हुआ है और इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है uh, वो भी मतलब uh, हम कह रहे हैं कि uh, वो इलेक्ट्रॉन मूव करा इन प्लेन पर टू द मैग्नेटिक फील्ड कि एस फील्ड को परपेंडिकुलर वो जो इलेक्ट्रॉन्स है हाँ, वो मूव कर रहा है सो द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स बी रिमेंबर कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन सो द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स होगी दैट दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी व्हाई क्योंकि हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है So, okay, यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है और विलासिटी बहुत है तो so इसी कंडीशन में हमारे पास जो फोर्स uh, तो होगी वो भी कॉन्स्टेंट होगी लेटमी रिपीट अगेन अगर हम कहें वासिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वो कांस्टेंट है सो इन सच ए कंडीशन जो फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी वो भी कांस्टेंट होगी और ये जो सिचुएशन हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टू ठीक है और वो क्या है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो मूव कर रहा है ठीक है सो कंडीशन हम बयान करें कि अगर वेलासिटी uh, और बी वेलासिटी uh, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कांस्टेंट है तो उन पे जो फोर्स होगी uh, वो भी कांस्टेंट होगी तो ये हमारे पास ये क्या है ये हम आ, बेसिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ठीक है ये हमारे पास बेसिकली डिस्क्रिप्शन है फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ठीक है एक कांस्टेंट फोर्स एक चार्ज पार्टिकल पे रिएक्ट कर रही है ठीक है और उसको मूव कर रही है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एन ए सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री तो ये हमारे पास क्या है बेसिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस uh, की डिफिनीशन है

ठीक है और यहाँ पर जो आर है सर्कल ये ये जो सर्कुलर बन रही है न, ये इसका radius है ना इसका इलेक्ट्रॉन ये आप देखा इलेक्ट्रॉन कैसे सर्कुलर पाथ में आ, वो मूव कर रही है ठीक है अगर आप मोशन को कंसिडर करें मोशन आप प्रोटॉन को कंसिडर करें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सो वी सिचुएशंस आ, लेकिन आ, जो होगी मतलब जिस तरह के आपने पहले केस में कहा कि हमारे पास जो फील्ड है आ, वो फील्ड क्या है वो फील्ड यूनिफॉर्म uh, है ठीक है और जो इसकी डायरेक्शन है आउट ऑफ द पेपर या आउट ऑफ द लैपटॉप आउट ऑफ द योर कंप्यूटर इसकी डायरेक्शन है सो द फोर्स इज ऑलवेज एन द रेडियल डायरेक्शन ठीक है फोर्स रेडियल डायरेक्शन में होगी क्यों क्योंकि हमारे पास आ, जो मतलब है जो चार्ज प्रोटॉन इस पे जो चार्ज है दैट इज पॉजिटिव और इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी आ, उसकी जो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी दैट विल बी गिवन बाय क्यू वी बी ठीक है कि फोर्स रेडियल डायरेक्शन में होगी जस्ट लाइक यू कैन सी हेयर फोर्स जब प्रोटॉन पे रिएक्ट करेगी सो द प्रोटॉन इट विल मूव इन सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री बट द फोर्स दैट द प्रोटॉन विल एक्सपीरियंस फ्रॉम द फील्ड एट विल बी परपेंडिकुलर ठीक है वो जो फोर्स होगी दैट विल बी एंड

आप टाइम पीरियड के कितने टाइम में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्व करेगा सो यू कैन गेट द टाइम पीरियड इज गिवन बाय इजन बाईन टू फाइव सर्कल ठीक है द टोटल डिस्टेंस अराउंड दिस होल पाथ ठीक है डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ठीक है दैट इज इज इक्वल टू अगर वेलोसिटी की आप वैल्यू इधर से पुट करें ठीक uh, है

कि जब वी और बी दोनों पर पेंडिकुलर हो तो चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव करती है डायरेक्शन चेंज ठीक है? कि v की जो है जो है, वो कांस्टेंट रहती है लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली वो चेंज होती रहती है ठीक है ना इफ यू जूम दैट वी हैज कंपोनेंट पैरेलल टू बी अब अगर हम कहते हैं कि v का एक कंपोनेंट है और वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड ठीक है तो जो पैरेलल कंपोनेंट है हम कहते हैं देन द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ v रिमेन कांस्टेंट एंड द चार्ज पार्टिकल मूव इन हेलिकल पाथ तो वो चार्ज पार्टिकल क्या होगा वो चार्ज पार्टिकल वो हेलिकल पाथ में मूव करेगा बजाय सर्कुलर पाथ के थोड़ा सा यहां पर और करें हम कहते हैं कि अगर वी, वी, वी परिमेन कॉन्स्टेंट वी की जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है और डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है अब अगर हम इजम करें कि वी के हमारे पास क्या है पेरेलेल कंपोनेंट है टू बी ठीक है यहाँ पर देखे पहले केस में परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर पेरेल कंपोनेंट है तो वो पेरेल कंपोनेंट हम कहते हैं उसकी जो मैग्नीट्यूड है कांस्टेंट रहती है ठीक है और चार्ज पार्टिकल वो मूव करेगी एक हेलिकल पाथ में ठीक है जस्ट लाइक यू कैन सी बाई योर सेल्फ ठीक है मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ अच्छा सो देयर वोट बी एनी टेस्ट प्रॉब्लम ऑन हेलिकल मोशन हेलिकल मोशन पे कोई टेस्ट प्रॉब्लम नहीं है ये जस्ट एक सिचुएशन है कि हम कहते हैं कि आ, आ, वी और बी ऊपर पेंडिकुलर हो आ, तो हमारे पास सर्कुलर मोशन है लेकिन अगर वी का पैरल कंपोनेंट एग्जेस्ट करती हो और वो कॉन्स्टेंट हो तो बाड़ी जो है चार्ज पार्टिकल जो है वो एक हेलिकल आ, हेलिकल पाथ में आ, वो मूव करेगा जो लॉरेंट फोर्स है लॉरेंट फोर्स ला या लॉरेंट फोर्स जो है आ, वो हमारे पास आ, बेसिकली क्या है कि जब हमारे पास दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वो मौजूद हो तो इस कंडीशन में जो टोटल फोर्स हमारे पास होती है

एक सिचुएशन है जस्ट लाइक यू कैन सीगर हमारे पास एक है मैगनेटिक फील्ड भी है मैगनेटिक फील्ड इज वेक्टेड दीक है यूनिफॉर्म मैगनेटिक फील्ड है हमारे पास और uh, इसकी डायरेक्शन आउट ऑफ दर हमारे पास क्या है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्डेड फ्रॉम पॉजिटिव कन्वेंशनल डायरेक्शन है अब उसमें हम क्या करते हैं हम चार्ज पार्टिकल्स को मूव करते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और उसको हम वास वी के साथ वो क्या करते हैं वो मूव करते हैं मतलब हमारे पास दोनों फील्ड मौजूद है uh, दोनों फील्ड पर पैनिकुलर टू ईच अदर एक दूसरे को परपैंडिकुलर है ठीक है अब चार्ज पार्टिकल को हम इन दोनों फील्ड की मौजूदगी में एक्सलरेट करते हैं तो यहाँ पर यू कैन सी दैट दिस चार्ज पार्टिकल वी हैव टू फोर्सेस वन इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अदर इज द मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड दूसरे डायरेक्शन में है तो व्हाट इट मीन इट मीन दैट बोथ द फोर्सेस दे बैलेंस इच अदर ठीक है सो अब दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रही है सो द चार्ज पार्टिकल्स विल पास स्ट्रेट थ्रू चार्ज पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट uh, वो एक डायरेक्शन में वो मूव कर रही है और ये कौन से कंडीशन में ये उस कंडीशन में जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स

अच्छा दूसरे हमारे पास है मास स्पेक्ट्रोमीटर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर बेसिकली सेपरेट चार्जेस ऑफ डिफरेंट तो मास स्पेक्ट्रोमीटर्स हमारे पास एक डिवाइस है जो कि uh, क्या करता है मतलब मास डिफरेंट सेपरेट चार्जेस ऑफ़ डिफरेंट मासेस ठीक है के डिफरेंट uh, मासेस के वो चार्जेस को वो सेपरेट करता है सो so, इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल uh, है ये हमारे पास बेसिकली uh, सेटअप है So what basically going on, होता क्या है सो वेन एन आय एनर्जी फील्ड ठीक है ये हमारे पास देखेफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और डायरेक्शन ये जो डॉट है ये डायरेक्शन को शो कर रहा है पेपर इसकी डायरेक्शन है सो वेन आय फैक्स एनर्जी एंटर रीजन ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दे सर्कुलर पाथ यहाँ पर देखे ये एक आयन है ठीक है एक आयन यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो एंटर हो रहा है ठीक है तो जो ही इस फील्ड के अंदर वो एंटर हो रहा है सो इट विल फॉलो ए सर्कुलर पाथ एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा यहाँ पर यू कैन सी इट हेयर ठीक है सो व्हाट हैपन नेक्स्ट द रेडियस ऑफ द पाथ डिपेंड ऑन द मास चार्ज रेशो एंड द स्पीड ऑफ द आयन ठीक है अब जो रेडियस ऑफ द पाथ है ये जो ये जो रेडियस यहाँ पर ये ट्रेजेक्ट्री ये बना रही है इसका जो रेडियस है ये डिपेंड कर रहा है मास और रेशो पे, और चार्ज पे जो जो आयन की स्पीड है है ठीक एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या मतलब तीन चीजों पे डिपेंड करता है मास uh, चार्ज रेशो पे स्पीड ऑफ द आयन पे और मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पे कि इन चीजों पे uh, ये जो मतलब है

और यहाँ पर ये यह, ये जो प्लेट है इसके साथ वो टकराती है ये जो प्लेट है ये बेसिकली क्या है ये डिटेक्टर प्लेट से और इसकी जो मतलब है जो लेंथ है फ्रॉम यहाँ फ्रॉम हेयर टू हेयर दैट इज डिनोटेड बाय एक्स एंड दैट इज इक्वल टू वन पॉइंट सेवन फाइव फाइव एट मीटर्स फ्रॉम द पॉइंट वेयर दे एंटर द फील्ड ठीक है इस एंट्री पॉइंट से यहाँ तक जिस पॉइंट पे ये टकराता है इसकी लेंथ जो है ये पर्टिकुलर लेंथ है

और जो आर है इसी पर्टिकुलर सिचुएशन में पिछले स्लाइड में हमने बात की कि ठीक है मतलब ये आर रेडियस के लिए हमारे पास रिलेशन है सो so, यहाँ पर जो अनोन क्वांटिटीज है अन क्वांटिटीज आर एंड एंडसिटी मास और विलासिटी जो है ये दोनों क्या है ये दोनों

मतलब जब ये लीव कर रही है उस वक्त इसकी जो कैनेटिक एनर्जी है स्टार्टिंग कैनेटिक एनर्जी है वो क्या है वो है वो जीरो है सो so, uh, अब वो हमारे पास जीरो है इनिशियल कैनेटिक एनर्जी जीरो है सो so, ये वाला टर्म जो है फ्रॉम ऑफ एनर्जी दिस विल वैनिश आप बेसिकली क्या है फाइनल कैनेटिक एनर्जी बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हमने uh, पिछले स्लाइडों पे पढ़ा है कि ये हमारे पास बराबर है माइनस क्यों डेल्टा वी के ठीक है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये हमारे पास क्या है uh, मतलब इट इज बीन लैंक विद वॉट पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है दैट इज इक्ल टू माइनस क्यों डेल्टा वी

ठीक है अब डेल्टा वी की वैल्यू गिवन है ठीक है so, सो uh, यहाँ पर आप क्या करें uh, इसी रिलेशन से यू कैन फाइंड आउट दिलासिटी आप विलासिटी को फाइंड uh, आउट कर सकते हैं मतलब ये हमारे पास विलासिटी के लिए रिलेशन निकल आया ठीक है सो बी रिमेंबर यहाँ पर हम कह रहे हैं कि uh, जो कैपिटल वी है दैस इज बेसिकली द पोटेंशियल और जो लोअर केस है uh, ये हमारे पास क्या है दिस इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल अच्छा यहाँ पर ये जो सिचुएशन है ये जो माइनस क्यों ठीक है यहाँ पर हम प्रोटॉन व्हेन गोस गोज अ मोर पॉजिटिव पोटेंशियल्स पोटेंशियल्स टू पॉजिटिव कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रही है जब वो क्या है मोर पॉजिटिव पोटेंशियल से लेस पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ वो मूव कर रहा हो ठीक है दैट इज वेन डेल्टा वी इज नेगेटिव सो दैट्स वॉट द माइनस साइन मीन्स मतलब यही माइनस uh, साइन का मतलब है uh, इसी इक्वेशंस के अंदर ठीक है सो इसी इक्वेश uh, को ये देखें हमारे पास ये रिलेशन है फॉर वी uh, इसी इक्वेशन को आगे लेके जा रहे हैं ठीक है uh, ये वाला रिलेशन है ठीक है अब इसी को हम लेंग कर रहे हैं कि हमने कहा था कि x इज इक्वल टू टू आर दैट इज इक्वल टू टू एम वी डिवाइडेड बाई क्यों बी ठीक है सो यहाँ पर आ, जो v की ये वाली वैल्यू है आ, v वाली ये वैल्यू इधर आके हम इसी क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं सो यू विल गेट द वैल्यू फॉर द x दैट इज इक्वल टू टू एम डिवाइडेड बाई क्यों वी अंडर रूट माइनस टू क्यों डेल्टा v डिवाइडेड बाई एम ये रिलेशन आया ठीक है अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें ठीक है सो यू विल गेट दिस आफ्टर बींग सिंप्लीफाइड ठीक है और इसी से जब आप इसको मजीद सिम्पलीफाई करें टेकिंग स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर एंड बोथ साइड दोनों साइड पे आप स्क्वायर ले लें और इससे फिर एम की वैल्यू निकालें सो यू विल गेट एम इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्र क्यों डिवाइडेड बाई एट डेल्टा वी तो ये हमारे पास बेसिकली वैल्यू ऑफ एम अगर आप इसी क्वेश्चन में पूर्व वैल्यू पुट करोगे सो यू विल गेट द मास ऑफ द आयन इससे आपके पास मास uh, uh, की जो आयन है वो आएगी अब इसमें वैल्यू पुट करें जो गिवन वैल्यू है फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ठीक है जो सेपरेशन है फ्रॉम द एंट्री टू द स्ट्राइकिंग स्ट्राइकिंग पॉइंट चार्ज गिवन है ठीक है और जो अप्लाइड वोल्टेज है दैट्स आल्सो बीन गिवन सो व्हेन यू पुट द वैल्यूज एंड डू द कैलकुलेशन यू विल गेट द मास दैट इज इक्वल टू 3.9515 एंड 210 रेस्ट टू द पावर माइनस 25 केजी मतलब ये जो रिक्वायर मास है ये निकल आया